पक्का नहीं मानेगा, नहीं मान रहा। भाई बहन का रिश्ता बदनाम कर रखा है, तुम जैसे दरिंदों ने नहीं बदनाम कर रखा है, तू नहीं कर रखा है, तेरे जैसे लड़कों की वजह से ही है। मैं फोटो वायरल कर दूंगा अगर मेरा। कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तब भी अच्छा कर लेके आई आपके रिट्स एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ सान्या से, जो कि मेरे को बहुत दिनों से डेढ़ महीने से कम मैसेज कर रही है। सान्या कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कैसे लगा आपको मेरे से मिलके? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको मैसेज किए थे बट आपने रिप्लाई नहीं किया था, एंड फाइनली आपने मुझे मैसेज किया। शायद मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो साफ सही हो जाए आपके साथ। ठीक है, तो सान्या आपको जो फेस कर रहे हो आज के टाइम में, ठीक है, वैसे आई एम सो सॉरी, पहले तो डेढ़ महीने से आपको कोई मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपको पता दिन के यार बहुत सारे मैसेज आते हैं, हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम देखी ना मैंने, सीन करे मैसेज, तो यार बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम लगी और बहुत ही लगा कि हाँ यार है, एक सीरियस मैटर है, तो इसलिए मैंने आपको नंबर शेयर करा और आपसे बात करी। तो यार सान्या, जो भी आपने मेरे को कल रात को कॉल पर बताया, जो भी आप फेस कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप एक बार पब्लिक को सामने बता दो, ताकि हम लोगों को पता लग जाए प्रॉपरली कि हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, मेरा एक चाचा का लड़का है, बहुत दूर का रिलेशन है हमारा। वो और मैं, हम एक नॉर्मली फैमिली शादी में मिले थे, शादी में मिलके उसे मुझसे अट्रैक्शन हो गया था। मैंने उसे घूमना फिरना नॉर्मली जो होता है, हम गए थे, बट हमारा नॉर्मली बातचीत भी फ़ोन पे होती थी। फिर कुछ टाइम से वो मुझे ज़्यादा ही परेशान करने लगा है कि क्या कहते, तेरे फोटोज़ हैं मेरे पे, कुछ वीडियोज़ हैं, अगर मैं घर में बता दूंगा, जितनी तू शरीफ है ना उतनी रहेगी नहीं घर में। अच्छा, तेरी इंसल्ट हो जाएगी, तेरे को पब्लिक में ऐसा कर दूंगा कि तू कहीं की मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो एक्चुअल में बंदा चाहता क्या आपसे? वो तो बंदा जो चाहता है वो आप उससे पूछ सकते हो ना, पर लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो ये चाहता है कि मैं उससे शादी करूँ। अच्छा। पर हमारे में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाई हो गया एक तरीके से ना यार, भाई हो गया ना तो हम नहीं कर सकते हैं शादी। ठीक है, और ऐसा बोलता है रिलेशनशिप में आओ या डायरेक्ट शादी के लिए बोलता है? नहीं, रिलेशनशिप में आओ, जैसे हम नॉर्मली मिलते थे तो अब वो मुझसे कहता है कि तुम मेरे साथ मिल, मेरे से घूमने चल, मेरे साथ वन नाइट पे चल, ये सारी चीज़ें वो मुझे बोलता है फोन पे। और कहता है जितना तू शरीफ बनती है ना अपने घर वालों के आगे, मैं पब्लिक में हर जगह तेरी इतनी गंदी बेइज्जती करूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाए लायक नहीं रहेगी। ओके, तो मतलब आपको ब्लैकमेल करता है वो? हाँ जी। और आपको ऐसा कुछ पता है कि उसने जैसे बोला आपको ब्लैकमेल करता है, फोटोज वोटोज क्लिक करी है, आपको कुछ अंदाजा कि ऐसा क्या उसने फोटोज क्लिक करी है? नहीं, ऐसा मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मे बी लड़की की बहुत सारी प्राइवेसी चीजें होती है, मे बी चेंज करते हुए या फिर वॉशरूम में, बहुत सारी एक्स वाई ज़ेड बहुत चीजें होती है, तो हमें अभी एक्चुअल में पता नहीं है कि कौन सी फोटोज उसने ली है, क्या उसने क्लिक किया है, वही हम जानने के लिए आज यहीं पे है। तो गाइस लड़की को ना एक बार लोकेशन पे लेके आना चाहिए, क्योंकि यार भाई बहन की एक चीज, अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसा कोई केस आया था जिसमें क्या था कि वो लड़का था ना अपनी बहन को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता था, ठीक है, तो उसमें उसको अच्छे से हमने लगाई थी और वो बंदा डर भी गया था और बहुत ज्यादा सॉरी भी बोल के गया उसकी फैमिली में, ठीक है, और पूरी दुनिया में पता लग गया कि लड़के की गलती थी, लड़की की इज्जत पे कोई बात नहीं है। तो आज भी सेम वही चीजें सुनने को मिल रही है कि यार आज के टाइम में चल कह रहा है भाई बहन का रिश्ता बदनाम कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो यार? एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा है यार जिसमें आप आंख बंद करके भी हर चीज भाई के साथ कहीं भी जा सकते हो। मैंने उसको बहुत ट्रस्ट किया था, कहते हैं मतलब अपने फैमिली में अगर मेरे को कोई कुछ कहता था, मैंने कहती नहीं वो ऐसा नहीं है, आज की डेट में वो ऐसा है कि वो मुझे कहता है कि तू जितनी शरीफ है ना उतनी शरीफ तू दिखती है, बस है नहीं रियल। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो यार सान्या, एक काम करो, अपने भाई को जरा, भाई को उस लड़के को कॉल करके एक बार इस लोकेशन पे बुला लो बस, ठीक है, बस मैं ये चाह रही हूँ लोकेशन पे पहुंच जाए, फिर देखते हैं यार उसका कितनी अच्छी बजाएगा हम लोग। सो गाइस लड़के को फोन लगा लेते हैं एक बार, सान्या ने कॉल लगा दिया, स्पीकर पे रख देना, वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक सुन रही है, और यार देखते क्या होता है वीडियो में। हेलो। हाँ। कहाँ हूँ? मैं बाहर हूँ। मैं आ मिल सकते हो अभी? क्या बात है, क्यों मिलना, क्या है? मिलने आ सकते हो, बताओ, मिलोगे जब तो बताऊंगी कुछ। मिलने तो आ जाएंगे, मगर बताओ तो क्या हुआ, क्या? मैं रेडी हूँ शादी के लिए। मैं शादी के लिए रेडी हूँ, मिल सकते हो तो बताओ। क्या बात कर रही हो? हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ जी। क्या बात कर रही हो यार? आ सकते हो, मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ आपको। कहाँ पर हो आप मुझे बताओ, मैं बताऊँ कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। तो गाइस लोकेशन पे तो बंदे को बुला ही लिए, शादी के लिए रेडी होते, इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया बंदा कि वो कह रहा है अभी बताओ कहाँ हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। तो गाइस वेट करते हैं लड़के के आने का और फिर देखते हैं कि उसकी सारी चीज़ें उसके मुंह से निकलवानी है, ताकि कल को लड़की की इज्जत पे कोई बात ना है और लड़की के पास वो प्रूफ। आप अपने फैमिली में दिखा पाओ, अगर आपकी इज्जत पे लगाते हैं ना दाग भी, तो मतलब लगे ना कि पता लग जाए कि लड़का गलत है, लड़की की कोई गलती नहीं है। सो गाइस वेट करते हैं और देखते क्या होता है। ये लड़का जो सामने आ रहा है ब्लैक शर्ट में, यही है क्या? हाँ जी यही है। चलो इसको, इससे पूछते हैं अब क्या करना है, बताते हैं इसको।
हाय राहुल, कैसे हो आप? मैं तो मेरी फ्रेंड है, बैठो। इनकी दोस्त हूँ। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। इधर आके बात करें एक बार। जी आओ ना, बहुत सारा यार, तुम्हारी शादी होने वाली है यार, तुम्हारी शादी होने वाली है। तो मेरी होने वाली है, आप तो मेरे से बात तो करो। तो तुम्हारी शादी होने वाली है, उसके लिए बुलाया मुझे। तुम्हारी शादी होने वाली है, सबसे ज्यादा खुश तो उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी ना यार। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको कभी देखी? सारी बेस्ट फ्रेंड होगी जानते, मगर मैंने तो आपको कभी, मैं नई वाली बनी हूँ ना, कभी कभी थोड़े टाइम वाले रिलेशन भी अच्छे चल जाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कोई थोड़े टाइम वाले रिलेशन। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूं, आप बताओ? बढ़िया हो, एकदम खुश हो? फिर लड़की रेडी होगी शादी के लिए? हां वो तो मैं खुश हूं। आपको पता है ना वैसे आपकी बहन है? जी हाँ पता है। पता है? फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्या? पहले आप मैडम ये बताओ, मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? आप हो कौन? मैं इसकी अच्छी दोस्त हूँ, मेरे को सिर्फ आपसे दो मिनट बात करनी है। इधर तो आओ यार, बात तो कर लो, दो मिनट आके आना यार। सान्या नहीं करना आप? आपका नाम राहुल ही है ना? राहुल ही है ना? और ये मतलब रिश्ते में आपकी बहन लगती है ना, है ना? तो शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब यार तुम तो यार तुम तो शादी करनी है, पर ये तो मेरी फ्रेंड है, तुम नॉर्मली इनसे बात तो करो यार। मैं जब जानते नहीं, मैं क्यों बात करूं? जब दोस्त है तो बात तो करोगे ना? नहीं मुझे नहीं, शादी में मेरे को नाचना नहीं है क्या तुम्हारी? नहीं मत नाचो, मेरे नहीं बहुत फ्रेंड है। अच्छा तुम इसी से मिलना चाहते हो बस, है ना? इतना ज्यादा प्यार हो गया? बहुत ज्यादा। अपनी बहन से प्यार हो गया यार? क्यों? अट्रैक्शन बहन से हो गया? बहुत ज्यादा ही हो गया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा क्या कर दिया उसने? ऐसा क्या दिखा दिया उसने तुम्हें? बस बहुत कुछ दिखा दिया मुझे, उससे क्या मतलब। अच्छा और चलो, शादी की बात को अलग रखते हुए एक बात और बता दो यार, मैंने सुना तुम उसको ब्लैकमेल भी कर रहे हो। आपको उससे क्या मतलब है? मैडम हाथ जोड़ता हूँ, होगा ना, आप जाइए, मेरा और इसका मैटर हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इसका और उसका मैटर तो रहा ही नहीं है यार, ठीक है? मैटर बाहर पहुंच चुका है, समझ रहे हो? मैडम आप हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, हम जाइए। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, कि आप मेरी बात दो मिनट ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी वो बहन लगती है। मैं आपकी बात में बिल्कुल भी, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन बात कुछ जरूरी है आपकी। क्यों बुलाया इसको? क्यों नहीं बुलाऊं ये बताओ? दोस्त से मिलवाने के लिए बुलाया ना? है, मैं तुमसे मिलवाने लाई हूँ, तुम बात तो कर सकते हो। मैं तुमसे बात करूं, तुमने मुझे फोन किया? मैं ना, तो मैंने आपको इससे मिलाने के लिए साथ में नहीं लेके आया, मैं अकेले आया ना। अब आप फ्रेंड, मैंने इन्हें आपसे मिलाने के लिए तो बुलाया है, आप इनसे बात करो पहले। मुझे, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ उनसे बात करने में। क्यों नहीं? पहले मैं जानता भी नहीं तो मैं बात। अब जान लो ना, अभी अभी थोड़ी देर बाद से, 10 या 15 मिनट बाद से तुम मुझे जानने लगोगे, चिंता मत करो उसकी तुम, ठीक है? अच्छा ये बताओ राहुल, जो मैं जानने लगूं? नहीं यार, मैं बहुत ही गरीब, एक बहुत ही प्यारी सी लड़की हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहती हूँ, ठीक है? मैं चली जाऊंगी, लेकिन यार थोड़ी तो इज्जत रखो ना, अब उसकी दोस्त हूँ मैं और तुम उसका बगा रहे हो। नहीं पहले मेरे से एक बार 5 मिनट के लिए मुझे ये बता दो कि तुम्हें पता ना तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बहन है? कि मेरी कजन है? हाँ ये जानती है, मैं जानता हूँ। तुम इसके भाई हो, ये तुम्हारी बहन है, और फिर भी तेरे को शादी करनी है ना? अब यही बात है ना, मेरा नाम तो रिट्स है, ठीक है? तो मैं क्या करूं? ठीक है तो? कुछ मत कर, तुझे कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूंगी, जो करना है मैं करूंगी, तू वो मत सोच, तुझे क्या करना है, तू कुछ भी नहीं करना, तू बस ऐसे खड़ा रहा और बात कर ले 5 मिनट के लिए। ओके बात, हो कौन तुम? नहीं जानता मैं तुम्हें। मेरी बात सुन, हाँ ध्यान है वो तेरी, पता है ना तेरे को? अरे तुम्हें हमारे दोनों मैटर में बीच में बोलने की क्या जरूरत है? इसका मैटर तेरा मैटर नहीं है, ये है मैटर में वो भी नहीं है, मैटर में वो भी नहीं है, तू उसको मैटर में घुसा रहा है, तो मैटर में घुसा रहा है तू। आवाज धीमी रख। क्यों धीमी रख? जब तुम्हारा मेरा कोई मतलब ही नहीं होता, मैं बात इनसे करूं तो क्या मतलब है? तेरे को क्या लगता है तेरी लाउड आवाज से मेरे को क्या, मैं डर जाऊंगी? हां मैं, ओहो डर नहीं, मैं सामने नहीं हूं। हां ठीक है जाइए, मैं सामने नहीं हूं जो डर जाऊंगी। हां ठीक है जाइए, और तू ब्लैकमेल करेगा यार? क्यों बुलाइए इसको? तुम मेरी सुनते हो? तुम उनकी तो सुन सकते हो ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। अच्छा ये तो बता दे कि कौन से, क्या हो गया? फोन तो दे दे, हाथ मत डालो, फोन तो दे दे, फोन तो दे दे, तू दे तुझे मैं ये बता, तूने कौन सी फोटोज क्लिक करी है? वो शो में चेंज करते हुए करी है, ब्लैकमेल कर रहा है ना? करूंगा, लड़की की इज्जत नीलाम करेगा? करूंगा बस, अब जाइए। लड़की की बेइज्जती करेगा? मैं मेरी लड़की को, लड़की को गलत दिखाएगा ना? वो शादी के लिए राजी, शादी के लिए राजी हो तुम? नहीं मैं, अभी तो तुमने यही फोन करके बुलाया कि मैं शादी के लिए, तेरे को बुलाना था यहाँ पे, बस प्री प्लानिंग है हमारी बुलाने की तेरे को यहाँ पे। अच्छा शादी करेगा क्या? जाओ, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा दियो, बात करो, उंगली मत जोड़, ठीक है? उंगली नीचे करो, हाथ मत लगा दियो, हाथ ना लगाओ, ठीक है? अब होती हो कौन है यहां पे बोलने वाली? इज्जत नहीं कर सकता तो बेइज्जती मत कर, ठीक है? मैडम मत जाओ, इतना दिमाग मत खराब करो, जाओ यहां से। शादी करा रही हूं यार मैं तो तेरी। नहीं अरे मैं कर रहा हूं, नहीं तो तुमसे क्या मतलब है? धक्के से कर रहा है नहीं तुमसे शादी? क्यों? अच्छा अभी तुमने बुलाया, आप कह रही हो बात में कर रही हो? पर जो फोटोज है दिखाओ ना। क्यों दिखाऊं? अरे फोटोज देखने आई हूं मैं तो बस, तूने इसकी रैंडम क्लिक कर लिया ना, इसने
देख ली फोटो उसने, छुप छुप के फोटोज क्लिक करी है अपने दोस्तों के साथ की है ना, वो दिखा दे यार। जाइए प्लीज, मेरा हाइपर मत कीजिए। अरे समझा कर यार, फोटोज बहुत महंगी बिकेगी, आप दोनों मिलके बेचेंगे, चिंता मत कर तू उस चीज की। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं। हाथ मत लगा। क्या हाथ मत लगा? हाथ मत लगाइयो, ठीक है? तमीज से कह रहा हूं। हाथ मत लगाइयो, तेरे को लगता है तेरे इस जैसे शरीफ लड़के डर रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे बहुत लड़के देखे, दफा हो यहां से। अच्छा बहुत सारे देखे, चल निकल, दफा। आप नहीं देखी होगी, इसके बाद नहीं आएगी। डर क्यों रहा फोन दिखाने में? नहीं दिखा रहा मैं। दे देना फोन, जेब में हाथ नहीं डालना, ठीक है? तो दे देना फोन, क्या हो गया? तेरे प्यार को दे दे फोन, तेरी बहन को दे दे फोन, तेरी बहन को दे दे। इसको हटाओ यार। हाँ मैं भेज दूंगी, मुझे तो दे सकते हो फोन। अरे तेरी बहन को दे दे फोन, बैठ के बात कर। नहीं मैं बैठ के बात नहीं कर सकती ना, मुझे फोन। यार तुम चलो, क्यों इसके चक्कर में बेकार में अपनी लाइफ बेकार करने जाती हो? क्यों लाइफ बेकार हो रही है यार? मैं ज्यादा वो करूंगी, फोटो वायरल कर दूंगा। अच्छा यही तो सुनना था हमें। आ गया ना अपनी औकात पे, तू आ गया ना। मैडम हो कौन, तू बीच में क्यों पड़ रही हो? अभी लग जाएगा यार पता कौन हूं मैं यार, कौन नहीं हूं। दिमाग मत खराब कर मेरे हाथ से, 5-10 मिनट में पता लग जाएगा मैं कौन हूं कौन नहीं। हां बड़ा हिमायती हो ना, प्रधानमंत्री हो गई की फोटोज वायरल करेगा ना? हां करूंगा। अब मैं भी तेरी ऐसी फोटोज वायरल करूंगी ना, तू सोच नहीं सकता। तू फोटोज वायरल करेगा, मैं तेरी पूरी वीडियो बना के ना 15-20 मिनट की पूरी वीडियो बना के वायरल करूंगी। बना लिया आपने वीडियो में, लोग इतने मजे से, लोग इसको हटा, इसको भेज दे, लोग इतने मजे से देखेंगे ना तेरी फोटोज, मजा आ जाएगा। जो भी हो ना वहां जाके करना जाके, ठीक है? सुन मेरी बात। हां तू नहीं समझेगा ना प्यार से, वो तेरी बहन है, नहीं हाँ, समझेगा ना? अवल तो मैं तुझसे लड़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन कर दूंगा तेरी। मैं तुझे पहले ही कह रहा हूं, बॉन्ड कर रहा हूं। दिखा तो दे फोटोज, हमें क्या पता तूने फोटोज दे रखी है। फोटो देखनी? दिखा, दिखाओ, दिखा दे। दूर खड़ी रहो, दूर ही हूं मैं, चिंता मत कर, दिखा दे फोटोज। ये देख लो। अच्छा लड़की की चेंज करते हुए फोटोज क्लिक करेगा, है ना? पता कितना बड़ा अंदर जाने वाला है, पता है? तुम्हारी खींची तुम्हारी, मैंने खींच ले, तू मेरी फोटो खींच ले, ले ले ना फोटो, खींचना जाओ क्लिक कर ले, अरे जाओ कर ले फोटो, क्लिक कर लेना, कर लेना। तुम्हारी नहीं खींचना, अभी खींचना तुम्हारी, इसकी तो कर दी ना लड़की की, तो लड़की तो इज्जत नीलाम कर रहा है ना, कर रहा हूं मैं, कर रहा है ना ब्लैकमेल कर रहा है ना। तुम नहीं है, तुम नहीं बोल सकते। मैंने बताया यार, तुम बेमतलब में इसके बर्थडे में पड़ रही हो, क्यों उसको बुला के लाई हो? तुमने अपने दोस्तों के सामने नहीं करी क्या? यार देखो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तुमने शादी के लिए हां कर दी ना? शादी के लिए हां कर दी, तू फोर्सफुली उस लड़की से अपनी बहन से ही शादी करेगा, और अगर वो शादी मेरे खानदान में यही होता है मैं करूंगा। तेरे खानदान में होता है ना? मैं करूंगा। इसके खानदान में नहीं होता ये, वो देख लूंगा मैं। अच्छा देख लेगा, हम दोनों मैडम लोग समझ लेंगे। दुनिया में तू मत बढ़ो, तू तो करेगी दुनिया का, करने दो तू, मेरा तू बढ़ेंगे ना। जाओ आप निकलो यहां से। अब ये नहीं मान रहे कौन है यार? ये यार इसे मेरी फ्रेंड है, बोला तो यार फ्रेंड करके इतनी पास खड़ी होगी, ऐसे खड़ी है यहां पर आके खड़ी हो यार, वहां का खड़ी है तू? नहीं होना मेरे को तेरे साथ खड़ा। अरे जाओ यार यहां से, आप जाओ। क्यों नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा ना, ठीक है? पक्का नहीं मानेगा, पक्का नहीं मान रहा। भाई बहन का रिश्ता बदनाम कर रखा है तुम जैसे दरिंदों ने। नहीं बदनाम कर रखा, हम ही है ना। तू नहीं कर रखा है, तेरे जैसे लड़कों की वजह से ही है। मैं फोटो वायरल कर दूंगा, अगर मेरा दिमाग खराब हो तो मैं फोटो वायरल अभी कर दे रहा हूं, फोटो वायरल अभी कर दे अभी कर। हां अरे तुम बोलो बीच में मैडम, जाओ आप करके तो दिखा, फोटो वायरल। यार जाओ यार, तुम बहुत देर से बहुत हो गया तेरा, क्यों धक्के दे रहा है? अरे जाओ यार, वो कौन चल, तेरा बहुत हो गया, बैठ ना, दिखा फोन। नहीं दिखा रहा, दिखा, नहीं दिखा रहा फोन, दिखा, नहीं दिखा रहा मैं, वीडियो बन रही है पूरी, दिखा। 13 मिनट की वीडियो हो गई है, हिडन कैमरा लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है, हिडन दिखाओ ना, कौन सा हिडन कैमरा लगा हुआ है? देख वो देख सामने, इसका फेस ब्लर डालना जरा, अच्छे से सामने देख ले, पूरी वीडियो बन रही है 15 मिनट की, 15 मिनट हो गए तेरे को मेरे से बात करते हुए, पता लग गया बना रही है चीज के लिए, है ना? हिडन ये चीज कर रही हो ना, कैमरा भी पता नहीं चलेगा तेरे को कहाँ पे है, पूरी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है कैमरा, पता भी नहीं चलेगा, ढूंढ सकता तो ढूंढ ले, कैमरा तोड़ेगा, चल फोटो डिलीट कर, फोटो डिलीट कर, करते हैं फोटो दे, फोटो डिलीट करना, फोटो अभी डिलीट करते हैं तेरी वीडियो, अरे डिलीट करते हैं तेरी वीडियो, अभी फोटो दे, फोटो डिलीट कर। हाँ हाँ कर दूंगी यार, कर दूंगी ना, देख मेरे को करने दे, मैं अपने हाथ से दो फोन एक बार दे तो सही, अब तेरी फोटो डिलीट क्या, अब तेरा फोन ही रीसेट होगा, ये ले तेरा फोन रीसेट हो गया, मजे ले जिंदगी के, और सुन वीडियो सुबह 11 बजे आएगी, देख लियो अच्छे से, तुमने बोला था वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट करानी है, करानी है, यहाँ पे खड़ा हो, फिर खड़ा हो या आना, सामने से माफी मांग ले, तेरी बहन है, बोल यार, तुमने बोल तेरी बहन है, वीडियो तुमने बोला डिलीट, अरे करूंगी ना डिलीट, तुमने मेरा फोन तक रीसेट मार दिया, मैंने कुछ देख, मैंने जुबान दे दी तेरे को, मैं करूंगी डिलीट, अब एक काम कर दे तू, इससे माफी मांग ले पहले अपने गुनाह, पहले वो करूं तो पहले हो जाएगी डिलीट, चिंता मत कर, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहे ना, पैर पड़ ले फिर उसके, मेरे मत जोड़, मेरे से तो बदतमीजी करी, करी अपनी बहन से कर रहा है ना, वो सबसे शर्मसार बात है, अरे पर पकड़ पैर प्लीज, सॉरी बोल उसको, गुनाह होगी माफी मांग अपनी, चल सॉरी यार, सॉरी सॉरी, ये ले फिर राखी बांध देना, तो भगवान जी का लोकेट है, बांधना इसको राखी, भाई है ना तू, उसका डर क्यों रहा है? हाँ तो दो क्या मतलब है तुम? वीडियो तेरी मतलब यार, वीडियो वायरल कर दूंगी तेरी मैं, अब यार अब बात खत्म हो गई, तुमने करो ना, मैंने सब चीज कर तो लिया, हाथ दे दे रहा नहीं दे रहा यार, अब तुम ऐसा अभी डाल दूं, अभी डाल दूं वीडियो फेसबुक यूट्यूब दोनों पे जाएगी, रिट्स धवन के नाम से चैनल है, चेक कर लियो,
देख राखी बन गई तेरी, क्योंकि तू इसका भाई है और ये तेरी बहन है, और ये चीज तेरे को प्यार से समझ में आ नहीं रही थी, और अब पता देखो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो डिलीट नहीं होगी, नहीं होगी ना, वीडियो डिलीट नहीं होगी, क्यों? माफी मांग उससे, मैंने माफी मांग तो माफ कर दे, पैर पड़ जा उसके। लड़की की इज्जत नीलाम करेगा, लड़के के फैमिली में ये दिखाएगा कि लड़की गलत है, लड़की पे झूठे एलिगेशन लगाएगा, लगा पैर, पैर पे हाथ लगा उसके, सॉरी बोल, बोल सॉरी बोल, सॉरी बोल, हां मैं सॉरी मांग रहा हूं, अरे झुक के बोल बे, सॉरी सॉरी बोल, सॉरी यार बोल, गलती हो गई यार, तू मेरी बहन है, बोल तू मेरी बहन है, बोल आप मेरी बहन, हां ठीक है, तू इसका भाई है, हां ठीक है, पक्की बात है, हां ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी तेरी वीडियो डलेगी, क्योंकि इससे ना ये थोड़ी ना मतलब, क्योंकि ना इससे बहुत लोगों को मैसेज मिलेगा कि हां तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ना लड़की अपने भाइयों से भी डरेगी आज के टाइम में, समझा? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तूने जितना इसको खून के आंसू रुलाना, थोड़ा बहुत तेरा तो रोना बनता है, पानी के आंसू तो निकलने चाहिए यार, क्या करें इस दुनिया में, वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही तेरे साथ होगा, ठीक है, चल कर दूंगी डिलीट, एक काम कर, अब जैसे है ना वहीं से निकल, वहां से वहीं से वापसी जा जा, बहन है याद रखे इस चीज को, कर दूंगी जा, निकल चल, और सुन देखता जाइयो अपना सुबह 11 बजे वीडियो, फोटो वायरल करने वाला था ना, अब तेरी पूरी वीडियो वायरल होगी, प्लीज यार डिलीट कर, सामने निकल चल, तुम जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए, थोड़ा बेटर फील हो रहा है? हाँ बेटर फील हो रहा है, थैंक यू रिट्स, आपने मेरी मदद करी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यार पब्लिक को एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं यार, गाइस आप लोगों ने देखा अभी कि इस बंदे ने कितनी ज्यादा बदतमीजी करी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब भाइयों भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर देते हैं, ठीक है, और ऐसा चलता रहा ना, क्योंकि सेकंड टाइम हो रहा है मेरे साथ कि इनकी ऐसी प्रॉब्लम आई है भाई बहन वाली, एक पहले ऐसी वीडियो बनी थी और अब इनके साथ ऐसा हुआ है, तो गाइस ऐसा ना कुछ लड़कों की वजह से ना भाई बहन का रिश्ता बदनाम हो रहा है, और एक नॉर्मल लड़की ना अपने भाई पे कभी भरोसा नहीं कर पाएगी, कभी अपने भाई के साथ कहीं घूमने भी नहीं जा पाएगी, ठीक है, कहीं बाहर भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, और भाई बहन का रिश्ता ना यार बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, उसको बदनाम मत करो, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज शेयर करना मेरे को, मैं गर्ल्स के लिए सोशल मैसेज देना चाहती हूँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हर लड़की तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, फैमिली में शेयर करना, हर जगह शेयर करना, बाकी अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, और अभी ठीक हो ना तुम, ठीक है, और बाकी इनको प्रूफ के तौर पे मैं मेल्स लगा दूंगी क्लिप, तो इन फ्यूचर इनको कुछ भी दिक्कत ना आए, तो इनके पास प्रूफ रहे कि फैमिली में कि हाँ लड़की हर जगह से अपनी जगह सही है, ठीक है, तो गाइस लाइक करना शेयर करना, लव यू ऑल, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज आती रहेगी।